नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया के एक नए वीजा के बारे में। जी हां दोस्तों, 2 सालों का वीजा जिसके तहत आप अपने परिवार और अपने बच्चों को जो है ऑस्ट्रेलिया लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों आपकी पत्नी या फिर आपके पति जो है आपके साथ काम भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों साथ ही आपको किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होने वाली है। दोस्तों 3000 वीजा मिलेंगे और वो वीजा जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, अभी जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के बीच जो है एक समझौता जो है साइन किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है मेट्स। मेट्स के तहत जो है हर साल 3000 इंडियन लोगों को जो है ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलेगा और परिवार के साथ जाने का मौका मिलेगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में जो है मेट्स के ही बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी इस नए वीजा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, सारी की सारी जानकारी आपको दूंगा। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, प्रोसेसिंग टाइम वगैरह क्या होगा और जितनी मतलब डिटेल्स अभी तक आ चुकी है वो सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। बस एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी तक जो ये वीजा लॉन्च हुआ नहीं है और अगर लॉन्च हो भी जाएगा तो उसके बाद भी हमें कॉन्टैक्ट मत करना कि सर वीजा दे दो, क्योंकि हम वीजा देते नहीं है दोस्तों, ना ही हम कोई जॉब देते हैं, हम कोई एजेंसी वाले नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ठीक है। ऐसी ऐसी जानकारी आपको पहुंचाते हैं जो कि आपके पास शायद नहीं है और शायद आपके लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों इस वीजा के बारे में, ये वीजा की जानकारी बहुत सारे लोगों को अभी नहीं है क्योंकि ये वीजा लॉन्च नहीं हुआ है। बस हाँ, इस वीजा के बारे में जानकारी आ चुकी है और ये 2024 के एंड तक जो है लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, तो आपको भी मौका मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया जाने का। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जो है दोस्तों आपको डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि भैया क्या क्या इसके अंडर जो है आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और कौन कौन जो है इस वीजा के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुझे मिली है कहीं से, वहां से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इतना पक्का बता सकता हूं दोस्तों कि ये वीजा आने वाला है, ठीक है। इस डिटेल में थोड़ी ऊपर नीचे जानकारी हो सकती है, लेकिन हाँ वीजा अगर चाहिए तो बस इंतजार करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया वीजा होने वाला है इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन वर्कर्स के लिए होने वाला है दोस्तों, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, इसका नाम है मेट्स और ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑन 23 मई 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एंटर्ड इनटू अ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। मतलब मई 2023 में जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है एक माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप में एंटर किए थे, ठीक है। ये MMPA जो है एक बायलैटरल फ्रेमवर्क होने वाला है जो कि सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा टू वे माइग्रेशन को, मतलब कि इंडिया के लोग जो है ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है इंडिया आ पाएंगे, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज के लोगों को जो है आने मतलब एक दूसरे की कंट्री में जाने में जो है आने में जो है दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये टू वे प्रोग्राम होने वाला है। तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हु इज एलिजिबल लिखा हुआ यहाँ पर, अगर आप 30 साल के हैं या फिर 30 साल से छोटे हैं एप्लीकेशन के टाइम, तो आप इस जॉब के लिए मतलब इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यंग प्रोफेशनल स्कीम है ना दोस्तों, वीजा है यूके के साथ जो इंडिया ने पार्टनर कर रखा है, उसी टाइप का आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जिन्होंने पार्टनर किया है, 30 साल या फिर 30 साल से कम उम्र के लोग जो है इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पहले मेट्स में कभी अप्लाई नहीं किया या फिर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, मतलब एक ही बार जो है आपको मौका मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की जो है प्रोफिशिएंट नॉलेज है, आपके पास ओवरऑल आइल्स स्कोर जो है कम से कम 6 बैंड का होना चाहिए दोस्तों, अगर है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके 2 साल पहले या फिर 2 साल के अंतराल के मतलब बीच में जो है आपने ग्रेजुएट किया है, नया नया ग्रेजुएट किए हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो है फायदेमंद होने वाला ही है, ठीक है। होल्ड क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री और हायर, अगर आप बैचलर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री से ऊपर की क्वालिफिकेशंस मतलब रखते हैं दोस्तों, तो आपको जो है इस वीजा में दिक्कत नहीं आने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो है आपको जॉब मिल सकती है, माइनिंग, इंजीनियरिंग, ICT रिलेटेड जॉब मिल सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और एग्रीटेक में जो है आपको जॉब्स देखने के लिए मिल सकती हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है इस देयर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट, क्या ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेट्स के लिए जो है आप खुद से अपना वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली मतलब चीज़ है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। परमिटेड एक्टिविटीज़ क्या है, आप 2 सालों के लिए जो है रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और कितने प्लेसेस अवेलेबल हैं दोस्तों, 3000 प्लेसेस अवेलेबल होंगे प्राइमरी एप्लीकेंट्स के लिए पर प्रोग्राम ईयर, ठीक है। हर साल जो है 3000 लोगों को मौका मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद विल मेट्स पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू ब्रिंग देयर फैमिली टू ऑस्ट्रेलिया, क्या मेट्स के जो पार्टिसिपेंट है वो अपने परिवार को ऑस्ट्रेलिया लेकर जा पाएंगे, तो बिल्कुल लेकर के जा पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भैया आप अपने परिवार वालों को लेकर जा सकते हैं और आपका स्पाउस जो है डिपेंडेंट जो है वो काम भी कर सकता है वहाँ जा करके। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है विल मेट्स वीजा होल्डर्स बी एबल टू एक्सटेंड देयर वीजा, क्या आप अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भैया
पार्टिसिपेंट्स मे एक्सटेंड देयर पीरियड ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया बाय अप्लाइंग फॉर अनदर वीजा परमिटिंग टेम्पररी और परमानेंट रेजिडेंस। वहाँ रहते हुए अगर आप मीट्स के दौरान वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ रहते हुए अगर आप किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों, तो आपका जो है वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, हाउ मच विल इट कॉस्ट? कॉस्टिंग के जो है अभी ज़्यादा जानकारी आई नहीं है दोस्तों, कॉस्टिंग की जैसी ज़्यादा जानकारी आएगी वो आपको बता दी जाएगी, मैं ही अपने चैनल पर बता दूंगा या फिर आपको जो है ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी जानकारी दोस्तों। ठीक है, सबसे नीचे जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वेल विल मेट्स कमेंस, मतलब कब अनाउंस होगा दोस्तों, कब से शुरू होगा? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लेट 2024 में जो है मेट्स ओपन हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो मतलब अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है समर या फिर अक्टूबर नवंबर तक जो है देखने के लिए मौका मिल सकता है कि भैया ये मेट्स जो है वीज़ा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वीज़ा में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये वीज़ा जो है थोड़ा सा हाईली स्किल्ड लोगों के लिए होने वाला है, जो मतलब बैचलर्स डिग्री जिन्होंने कम से कम पढ़ी हुई है या फिर जिनको थोड़ी सी मतलब 6 लेवल बैंड की जो है कम से कम अंग्रेजी आती है। अगर इतनी अंग्रेजी आती है, इतनी क्वालिफिकेशन है और अगर आप 30 साल से नीचे के हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है दोस्तों। कौन कौन से सेक्टर में मिल सकता है वो भी बता दिया गया है। अगर आप ये क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं फुलफिल कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये वीज़ा बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल सकता है इस वीज़ा के तहत। साथ ही किसी एम्प्लॉयर को ढूंढने का झंझट भी नहीं है इसमें, आप जो है अपना मतलब वीज़ा खुद से स्पॉन्सर कर सकते हैं, बस आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। आई होप जो है दोस्तों आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, यूं ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।